दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ गुरुग्राम में ड्रीम फर्नीचर, जो कि डील करते हैं होम फर्नीचर में। एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सोफ़े और बेड। हालांकि यहाँ पर आपको कम्प्लीट होम फर्नीचर मिल जाएगा, बट हम पर्टिकुलरली सोफ़े और बेड ही कवर करने वाले हैं इस वीडियो के लिए। तो आपकी अलग से कोई रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ के मैनेजर से और लेते हैं सारी जानकारी डिटेल में, किस प्राइस रेंज में हैं चीज़ें, क्या क्या डिज़ाइन है और कैसे कैसे वो आप तक पहुँच सकती है। सो लेट्स गो। दोस्तों ड्रीम फर्नीचर से मेरे साथ है मिस्टर उमेश, जो कि यहाँ के मैनेजर हैं। चलिए इनसे जानते हैं इनकी जगह के बारे में। सर, कब से आप लोग काम कर रहे हैं, होलसेल रिटेल क्या करते हैं और क्या क्या वैरायटी आप लोग फर्नीचर में बना रहे हैं, मैं चाहूँगा आप बताएं। ओके सर, हमारे पास ना सोफ़े जो नॉर्मली काफ़ी वैरायटी होती है और मैन्युफैक्चरर हैं हम इसके, हमारे पास 12,000 से लेकर आपके 50,000 तक की रेंज होती है। अगर इकोनॉमिकल बजट में शादी का कोई फर्नीचर लेना चाहता है तो मैक्सिमम आपका 50,000 के अंदर फर्नीचर और शादी का ले सकता है हमारे यहाँ। बट ऐसा नहीं कि 50,000 बजट ऊपर भी है, जो अगर हायर रेंज में लेना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी में चाहते हैं, वो भी रेंज हमारे पास अवेलेबल है। वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके अपना पैकेज बना सकते हैं, वो भी ले सकते हैं आप। बात करूँ अगर डिलीवरी की, तो पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं या फिर दिल्ली एनसीआर में ही काम कर रहे हैं सिर्फ? एनसीआर पैन डिलीवरी लेनी है आपको तो अलग से अपना यहाँ से परचेस करके आप अपनी ट्रांसपोर्ट में ले जा सकते हैं, हम बाहर का ट्रांसपोर्टेशन अरेंज नहीं कराते। दिल्ली एनसीआर में कोई ख़रीद रहा है तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस किस हिसाब से होते हैं, जीएसटी वगैरह किस तरह से काउंट होता है, वो भी चाहूँगा बताएं। सर, जीएसटी जो गवर्नमेंट का नॉर्मल है 18% जीएसटी फर्नीचर पे, वो होता है आपका। बाकी जो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली है इकोनॉमिकल रेंज के हिसाब से, अगर आपने गुड़गांव टू गुड़गांव लेना है तो 300 से स्टार्टिंग लेके आपका 700 तक गुड़गांव का चार्ज होता है। एनसीआर में हम जाते हैं भाव तो 2500 तक जाता है आपका, जैसे आपका नोएडा ले लो, ग्रेटर नोएडा तक जाते हैं 2500 मैक्सिमम में। फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है जो कस्टमाइज पे बनती है ज़्यादातर, तो आप कस्टमाइज वगैरह की फ्रीडम देते हैं अपने कस्टमर को कि कोई भी इंटरनेट का कोई भी पीस, मास्टरपीस उठा के आपको पेश कर दे और आप बना के तैयार कर दें उसे? सर, इस चीज़ में मास्टर हैं, हमारा जो काम है 99% कस्टमाइज है। अच्छा, जो भी आइटम डिस्प्ले से ऊपर से नीचे आप देखते आ रहे हैं, हमारे फोर्थ फ्लोर है, टोटल कस्टमाइज फर्नीचर मिलता है आपको। एनीबडी कुछ भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जो आपका लेआउट है घर का, कोई भी एंगल हो उसके अकॉर्डिंग बनाना है, 7 लेना है, 5 सीटर लेना है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, टोटली कस्टमाइज होता है आपका। काफ़ी लोग फर्नीचर तो ले लेते हैं बट उनको ये नहीं पता कि गेट से वो एंटर हो पाएगा नहीं हो पाएगा और तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभार बालकनी से चीज़ें चढ़ानी पड़ती हैं तो वो उसकी टूट फूट हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि उनके घर जाके एक बार नाप लेके कस्टमाइज में फिर फाइनल करके उनको चीज़ें प्रोवाइड कराएं? सर, हमारे जो कस्टमर होते हैं ना मैक्सिमम आपके, जैसे हम एक ले सैंपल ले लीजिए, एल टाइप सोफ़ा बनाते हैं हम नॉर्मली। एल टाइप सोफ़ा हर कस्टमर के घर में नहीं घुसता है कभी भी, ठीक है? तो मैं फर्स्ट क्या होता है कि उसे जाके वहाँ पे लड़का भेज के हम लोग कारपेंटर भेजते हैं, साइज लेके आता है मैकेनिकल जो बंदा होता है, साइज लेके आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सोफ़ा तैयार होता है। तो इकोनॉमिकल फिर भी दिक्कत आती है तो हमारी जो लेबर टीम होती है वो एक्सपर्ट बंदे होते हैं हमारे पास अवेलेबल, कोई सी फ्लोर का चाहे 10th या 15th फ्लोर हो, इजीली ऊपर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं उमेश जी ने बता दिया अपनी जगह के बारे में। सर, अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे कुछ सैम्पल्स दिखा दीजिए और कुछ प्राइस रेंज बता दीजिए ताकि लोग भी आके यहाँ पे आपसे के साथ जुड़ सकें और अगर उनको भी कुछ सोफ़े, बेड या अपने घर का कोई भी फर्नीचर बनाना है तो वो आपसे जुड़ सकें। तो चलें देखें। आइए सर, आइए, हमारा सोफ़ा ये देखिए आप, ये आपका श्वेड फैब्रिक में है और फर्स्ट सोफ़ा हमारा डिज़ाइनर सोफ़ा है ये आप। और ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें आपका हमने मरंडी वुड डाली हुई है अंदर फ्रेम में और श्वेड फैब्रिक के अंदर है आपका। और गारंटी वारंटी अगर मैं बात करूँ तो कितनी मिलती है इस पर्टिकुलर? अगेंस्ट फॉर्म वुडन फ्रेम आपका जो 5 ईयर होता है आपका। बाकी फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या डेंसिटी के ऊपर लेना चाहते हैं, अलग अलग डेंसिटी होती है इसमें अवेलेबल एज पर रेंज। ठीक है, कितना सीटर सोफ़ा है ये वैसे? ये आपका सोफ़ा 3+3 आपका 6 सीटर है, +2 पफी एंड सेंटर टेबल। और इसका क्या प्राइस अभी आप कोट कर रहे हैं फिलहाल? प्राइस सर आपको पड़ता है 42,000। 42,000 अगर मैं इसमें मटेरियल जो है कपड़े का वो चेंज करा दूं तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा कुछ? वो सर होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस रेंज में क्वालिटी में जाना चाहेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग रेंज आएगी आपकी। ये हमारा सेकेंड नंबर सोफ़ा है जो आपको ओनली 32,000 में पूरा सेट मिल जाता है, 8 सीटर विद टेबल आपको विद टॉप ग्लास। और इसमें अगर बात करूँ मटेरियल की, चाहे वो फॉर्म का मटेरियल हो चाहे वो लकड़ी का मटेरियल हो, वो कौन सा लगा हुआ है?
सर इसमें आपको 5 ईयर्स वारंटी मिलती है वुडन फ्रेम, सेम वारंटी जो आपको फर्स्ट सोफे में बताई थी जी। वो सेम है आपका, मरंडी वुड है इसके अंदर आपका, अगेंस्ट फॉर्म वही होगा सेम। कलर कॉम्बिनेशन अगर मैं चाहूँ तो चेंज करवा सकता हूँ चाहे कैसा भी हो? यस सर, मेक टू ऑर्डर कस्टमाइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थीम जो भी चेंज करना चाहें अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज करें और अपना बनवाएं कस्टमाइज आप। 32 इसमें निगोशिएबल वगैरह चीज़ें होने वाली हैं, निगोशिएट करेंगे कुछ? सर ये जो आपको प्राइस दिए हैं वैसे तो बहुत कम है, बाकी एज पर डिपेंड करेगा कि किस रेंज में आप जाना चाहते हो फैब्रिक के ऊपर, बाकी जो भी होगा थोड़ा बहुत होता है वो करते हैं आपका, हो जाएगा वो। सर ये थर्ड नंबर देखिए सोफ़ा हमारा, ये पूरा कंप्लीट लेदराइट में है आपका, प्योर सिंथेटिक, ये वॉशेबल भी है आपका, और इजीली कस्टमर मांगते हैं कि क्लीन कैसे हो सोफे में, दिक्कत आती है वैक्यूम मशीन तो ईजिली क्लीन हो जाएगा। दूसरा वुडन फ्रेम सेम है जो हमने फर्स्ट सेकंड में आपको दिखाया, वही वेराइटी है, ये आपको 36,000 में कंप्लीट मिलता है विद टेबल एंड टू पफीज, 8 सीटर सोफ़ा है ये भी आपका विद ग्लास। और मान लीजिए इसमें मैं लेदर हटा के, ये लेदर स्वेट जो आपका कपड़ा है इसको हटा के अगर मैं कोई कपड़े में जाना चाहता हूँ तो चॉइस पॉसिबल हो जाती है? प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा उससे? हाँ सर, प्राइस तो आपको ऊपर नीचे होगा, नीचे भी डाउन भी हो सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है एज पर डिज़ाइन क्वालिटी, जिस क्वालिटी में आप जाना चाहें, क्योंकि हमारे पास हर तरह का कस्टमर आता है, ऑडियंस गूगल पे देख के आती है अपने डिज़ाइन लाती है, अपना अर्बन क्लैब वगैरह काफ़ी चीज़ें अलग अलग हैं आपकी, तो अपना जैसा फोटो लेंगे एज पर क्वालिटी अपनी अकॉर्डिंग बनवा सकते हो आप, उसके अकॉर्डिंग ही कॉस्टिंग आपकी निकल के आएगी बाहर। तो अशोक भैया आपको ये सोफ़ा देखिए, ये श्वेट फैब्रिक में है आपका और ये चेस्टर सोफ़ा है, अगर आप मार्केट में जाते हैं नॉर्मली इसको परचेज करने के लिए तो 70-75,000 के आसपास की रेंज आपको मिलेगी, बट हमारे पास ये ओनली 45,000 में कंप्लीट सेट आपको मिल जाता है। और ये कुल्टिन वाले जो डिज़ाइन हैं वो कितने तक से शुरू हो जाते हैं वैसे? सर हमारे जैसे 5 सीटर में ले लो, 3+1 में जाएंगे आप लोग तो 26,000 से 5 सीटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एल टाइप में जाना चाहते हो तो एज पर डिज़ाइन डिपेंड करेगा कि आप किस डिज़ाइन, जैसे कि नॉर्मली ले लो आपको टेबल और पफी नहीं चाहिए तो 30 की रेंज में सोफ़ा मिल जाएगा आपको। मैं फॉर्म की बात करना चाहूँगा, सोफे के लिए फॉर्म बहुत ज़रूरी होती है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कौन सी फॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो आपसे ले रहा हो चाहे कहीं से भी ले रहा हो, एक छोटा सा मैं चाहूँगा लोगों को गाइड ज़रूर प्रोवाइड कराएं। सर सोफे में एक्चुअली डिपेंड करता है वैरायटी अब आपका स्टार्टिंग रेंज से, आप लेते हैं 12,000 का सोफ़ा हमारे पास जो स्टार्टिंग 12 से है और इसके बाद जो नेक्स्ट रेंज है आपकी 15-16 की रेंज है बेसिक रेंज, उसमें हम नॉर्मली आरपी वगैरह की फॉर्म लगाते हैं तो वो 1 ईयर वारंटी में होती हैं आपकी मैक्सिमम। अगर हम बात करें एल सोफ़े की तो एल सोफ़े के अंदर वैसे 3 ईयर्स वारंटी देते हैं हम लोग और इसमें होता है स्लिप एल का फैदर। अच्छा ठीक है जी, और इससे बेटर कराना चाहे तो आप इंक्रीज करा सकते हैं, आपकी थोड़ी सी आर्डर मनी थोड़ा सा और बढ़ जाती है हल्की सी, बट स्लिप एल की अच्छी फॉर्म होती है, बेटर फॉर्म होती है 5 ईयर्स जिसमें वारंटी आपको प्रॉपरली मिलती है, कंपनी प्रोवाइड फॉर्म होती है आपकी वो। ये सर आपका देखिए सोफ़ा आपका 2 पफीज मिलेंगे इसमें आपको, ओनली सोफ़ा विदाउट टेबल है 36,000 का, ये डिज़ाइनर सोफ़ा है चेस्टर सोफ़ा, अब मार्केट में इसकी जो रेंज है 55 से स्टार्ट है आपकी रेंज। ओके, और अगर मैं इसके साथ टेबल भी लेता हूँ ये वाली तो कितने तक में पहुंच जाएगा, क्या प्राइस रेंज है? ये शीशम वुड की टेबल है आपकी, नॉर्मल रेंज 8500, 4x2 का साइज अवेलेबल है, प्रॉपर शीशम वुड की टेबल है साथ में। और इसका जो फ्रेम है वो किसका बना हुआ है? सर ये मरंडी वुड का फ्रेम है टोटली आपका। अगर आउट ऑफ स्टेट से मैं आता हूँ और खुद सेलेक्ट करता हूँ और लेके जाना चाहता हूँ तो आप ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवा सक पाएंगे, पॉसिबल है? सर अरेंज करा देंगे आपका, पैकर्स मोर जो आपका ऑप्शन होता है, कई बार कस्टमर आते हैं कि हमें सामान बिहार लेके जाना है या अपना पंजाब लेके जाना है तो 2-3 जगह हम भेज भी चुके हैं, ऐसा नहीं है वो प्रोवाइड हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए सर लेदरेट में सोफ़ा है आपका, ठीक है, और ये आपका 7 सीटर सोफ़ा है, ठीक है, ठीक है जी, 7 सीटर में आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज और भी करना चाहें तो ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और बात करूँ इसके प्राइस रेंज की तो कितने तक में आ जाता है? 30 का सोफ़ा है आपका ये, ठीक है, 7 सीटर ओनली सोफ़ा विदाउट टेबल, विदाउट टेबल। और इसमें ये जो फॉर्म लगी हुई है ये कौन सी फॉर्म है? सर इसमें जो लगी हुई है आपकी स्लिप एल की फेदर फॉर्म लगी हुई है, 32 डेंसिटी 32। और इसकी गारंटी वारंटी 5 साल की मिली रही है? यस सर 5 ईयर्स की वारंटी होती है आपकी। ये देखिए हमारे सोफ़ा कम बेड की वरायटी है आप, ठीक है, और इसमें जो स्टार्टिंग रेंज है आपका 12,000, 12,000, उसके बाद 14, उसके बाद आप जाएंगे इधर देखेंगे तो 16,000 की भी रेंज है, पक्की एज पर डिज़ाइन कॉस्टिंग अलग अलग जितनी हैवी में जाना चाहें आप, ठीक है। और वो जो है उसका क्या प्राइस रेंज है? जैसे दीवान कम बेड, ओके, दीवान कम बेड जो स्टार्टिंग है आपका 16,000 से, 16,000 रुपये से। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी लकड़ी किस किस की है और गारंटी वारंटी क्या मिल रही है? सर वारंटी की बात करें आप तो 10-15 ईयर आपको वारंटी मिलती है इनमें मटेरियल में, बाकी इसमें मैक्सिमम 70% कमर्शियल टीक प्लाई बोर्ड होता है, टीक वेनियर होती है, मेलामाइन पॉलिश है आपका, 3 लेयर पॉलिश है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग अपनी बनी हुई है, और जो आप कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ट्रमामाइट वारंटी होती है 10 से 15 साल वारंटी है एनी वुडन वर्क आइटम के अंदर।
और अगर मैं इसको कस्टमाइज़ कराना चाहूँ तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ, अगर अपने डिज़ाइन मुझे चाहिए हो तो? यस सर, वो ऑफकोर्स आपको हर आइटम के अंदर पॉसिबिलिटी है, एनी आइटम। ठीक है, तो अब बारी है बेड्स को देखने की, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो बेड्स देखते हैं अब। ये कौन सा बेड है, क्या प्राइस रेंज है, और स्पेस क्या है, और मैट्रेस वगैरह फ्री हैं या फिर उसके साथ अलग अलग से लेने पड़ रहे हैं? सर मैट्रेस इसमें नहीं होती रेंज, ये बेड के प्राइस है ओनली, मैट्रेस आपके ऊपर डिपेंड होता है किस क्वालिटी में आप लोगे, अलग पार्ट है वो। बाकी इसकी बात करें तो ये सागवान का बेड है, ये 20 की रेंज है आपकी, और ये भी 6x6 15 इंची बॉक्स 3 इंची लेग्स, वारंटी 15 ईयर्स। कस्टमाइज़ करवाना चाहूँ तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई किस तरह का भी डिज़ाइन अगर मुझे बनवाना है तो वो आप बना के दे सकते हैं मुझे? हाँ जी, कस्टमाइज अवेलेबिलिटी है आपकी, अपनी अकॉर्डिंग जैसे डिज़ाइन चेंज करना चाहिए, हाइट करनी है, साइज करना इंक्रीज़ आपका, तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और ये बेड है, क्या प्राइस रेंज आ रही है इसकी, और स्पेस क्या है, मटीरियल कौन कौन सा है, जानना चाहूँगा। सर इसमें आपका कमर्शियल टीक, बोर्ड, प्लाई, वेनियर, मेलामाइन पॉलिश कंप्लीट होता है, बाकी जो वुडन होती है कमर्शियल टीक वो लगती ही लगती है प्रॉपरली, वो रहेगा। बॉक्स की बात करें तो अपन 15 इंच का बॉक्स है इसका, और 3 इंची लेग्स, और साइज़ वही आपका 6x6 मैट्रेस साइज़ अवेलेबिलिटी है। ये देखिए सर नॉर्मल वैरायटी है आपकी, 6x6 के बेड हैं, स्टार्टिंग रेंज है हमारे 12,000 से आपकी। बॉक्स भी 6x6 मिलता है, बड़ा बॉक्स मिलता है 15 एंड 3 इंची लेग्स स्टैंडर्ड आपका, और ये भी सेम वैरायटी आपकी, नेक्स्ट देख रहे हैं ये भी सेम है आपका। और लकड़ी कौन कौन सी है इसमें? सर ये कमर्शियल टीक वुड है प्रॉपरली आपका, इसमें भी 10 to 15 ईयर्स वारंटी है आपकी प्रॉपरली। और अगर पैन इंडिया इसको मैं ले जाना चाहूँ तो डिलीवर ट्रांसफ़र आप करवा देंगे, और बस वो है जो चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे, वैसे आप यूजुअली दिल्ली एनसीआर में ही काम करते हैं? हाँ जी, वो करा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन का भी हो जाएगा, बाकी तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, एनसीआर तो ही है आपका। बहुत बढ़िया, इसके अलग रेंज अगर मैं थोड़ा अपर जाना ऊपर जाना चाहूँ तो वो मिल पाएगी? देखिए हमारा प्योर पॉलिश के बेड हैं आपके वाइट में, और ये हाई ग्लॉस की पॉलिश होती है इनमें आपकी, और मेट्रा साइज 6x6 अवेलेबिलिटी है इनमें सारे बेड। और बॉक्स की बात करें स्टोरेज की अपन, तो ये 12 इंच का बॉक्स है आपका, और रेंज की बात करें तो 36,000 में आपको ये बेड मिल जाता है विद 2 साइड टेबल विद लैंप। और ये जो साइड टेबल है अगर मैं नहीं चाहता हूँ, हटवाना चाहता हूँ, तो प्राइस कुछ जाएगा, पॉसिबिलिटी है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आप नहीं लेना चाहते तो 7,000 आप लोग के कम हो जाएंगे पेयर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये तो एक पीयू में हो गया, ये अब? सर ये भी पीयू में है आपका, अच्छा, साइज़ वही जो आपने फर्स्ट वाला देखा है वाइट वाला, सेम उसी के अकॉर्डिंग 6x6 12 इंची बॉक्स, और ये डार्क कलर का पीयू अवेलेबिलिटी है आपकी। ये आपको रेंज मिलती है 34,000 का विदाउट साइड टेबल, दोनों साइड? हाँ जी विद 2 साइड टेबल विदाउट मैट्रेस, मैट्रेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और है शायद, क्या प्राइस रेंज है, क्या साइज़ है, और अगेन दो साइड टेबल इसके साथ भी मिल रही है? सर ये भी आपका प्यू पॉलिश के अंदर ही है, और ये 34,000 का है, 12 इंच के बॉक्स मिलते हैं स्टोरेज इसमें आपका, 6x6 का बेड विद 2 साइड टेबल। और रेंज क्या चली जाती है इसकी? ये आपका 34K। 34K, मान लीजिए मुझे पीयू का जो ये बेड है ये सेम डिज़ाइन अगर लकड़ी में बनवाना है तो कितना महंगा चला जाएगा? सर वो डिज़ाइन एज पर डिज़ाइन डिपेंड करेगा, आप क्या कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, अच्छा। ऐसे नहीं कि आप किसको बताओ इसी में वुड होगा, तो जो चीज़ प्लेन बन सकती है वो प्लेन बनेगी, जिसमें जितना कस्टमाइज वुडन के अकॉर्डिंग कराना चाहोगे एज पर डिज़ाइन डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आने वाले टाइम पे इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस जगह की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पर आकर जुड़िएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, अगर आपको चैनल की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। तो आज के लिए मैं आपसे लेना चाहूँगा अलविदा, मिलूँगा अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।